और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। वो एक खबर ये है हरिद्वार से कि अब पहलवानों ने फैसला किया है कि वे अपने पदक नहीं बहाएंगे गंगा में। इससे पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो गंगा में अपने पदक बहाने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ वो पहुँच भी गए थे, लेकिन वहाँ पर नरेश टिकैत के समझाने पर वे मान गए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्यों बदला है पहलवानों ने अपना फैसला? देखिए, वहां पर जी पहलवान पहुंचे थे जैसे, और लगातार जो अनौपचारिक तौर पर सरकार के भी कई लोग इन पहलवानों से बात कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये पहलवान लगभग 5:45 के करीब पहुंचे हर की पैड़ी में, तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मेहनत से उन्होंने मेडल अर्जित किए हैं, वहां पर साक्षी मलिक हो या विनेश हो, ये सब रोने लगे वहां पर फूट फूट कर। और थोड़ी देर में वहां पर नरेश टिकैत भी पहुंचे और कुछ और बैक चैनल से भी कुछ बातचीत हुई। नरेश टिकैत ने भी समझाया कि आपने ये मेडल जो है बहुत मेहनत से देश के लिए जीते हैं, और ये मेडल जो है सिर्फ उनके नहीं है, 150 करोड़ देशवासियों के हैं। ऐसे में मेडल को ना बहाएं, जो लड़ाई है वो दूसरे तरीकों से लड़ी जाए, प्रदर्शन करते रहें, कहीं और प्रदर्शन किया जाए, दूसरे तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा इनके पहलवानों के साथ है, तो इन पहलवानों को समझाया गया है। उसके बाद ये पहलवान मान गए हैं। इन्होंने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है अखिलेश जी। उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर सरकार ब्रिजभूषण पर कार्रवाई करे, उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो फिर वो कोई ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो कि देश के हित में ना हो, या फिर देश हित में ना हो। जी सौरभ, आपकी बड़ा कदम या कड़ा कदम हो, फिलहाल 5 दिन का अल्टीमेटम, ठीक है, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मेडल नहीं बहाने का फैसला किया है। नरेश टिकैत के समझाने पर मान गए पहलवान। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया आपका। और इस बीच जो है सरकार के तमाम नेताओं से भी बात हमारी करने की प्रयास किया है कि कैमरे पर वो बोले कि आखिर ये क्या मामला है, इनका क्या पक्ष है। जो जानकारी मिली है इस बातचीत से वो आपको बता दें कि 7 साल पुराना आरोप है। कहीं भी आसानी से पहलवान शिकायत दर्ज करा सकते थे। जनवरी में पहलवानों की मांग पर ही ये ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने सभी शिकायतों को सुना था। सारी जानकारी कमेटी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। मामले की गंभीरता के कारण ही सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अप्रैल में फिर से इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहलवानों की मांग पर ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए। मामले की जांच नियमों के अनुसार पुलिस कर रही है। FIR की मांग पूरी होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा है। नई संसद के उद्घाटन के वक्त ये कार्रवाई की गई। पहलवानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। पहलवान कह रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते, इसलिए उनकी बात को ही सच मान लिया जाए, लेकिन पुलिस की जांच जो है उसका पूरा होने का इंतजार करना चाहिए।